अस्सलाम वालेकुम। हाँ, वो कह चुका है सब्र का बेहतरीन फल तुम्हें मिलकर रहेगा। फिर तुम उसकी बात मानकर थोड़ा सा और सब्र क्यों नहीं कर लेते? वो जानता है, वो देख रहा है, तुम इंतज़ार कर रहे हो, आसमान पर नज़रें जमाए हो उसके कुन के लिए। तो फिर दिल में कैसा खौफ रख लिया है, उसकी दस्तस में सब कुछ है, उसे ही अपना खैर ख्वाह क्यों नहीं मान लेते? जिसके हाँ तुम्हारे आंसू भी कीमती हैं, ख़ास मुकाम रखते हैं, जिन्हें वो ज़ाया जाने नहीं देता, मोतियों की मानित संभाल लेता है। तो कबूल ना होने के गीले ना करके अपनी दुआओं पर कबूलत की मोहर क्यों नहीं लगवा लेते? जब उसका वादा है वो देगा, तो जब दुआएं मांग ली तो किसी ना किसी सूरत में कबूल होकर रहेंगी। मोजों की बस्ती का बादशाह है, उसको यकीन का नजराना देकर अपने हिस्से के मोजात क्यों नहीं लिखवाते? क्यों मायूस होकर बैठ गए हो? अब कुछ नहीं हो सकता, सब रास्ते बंद हो गए और सब ख़त्म हो गया। जो सुकून की वादियों का बादशाह है, उसके पास आकर अपने प्याले में सुकून क्यों नहीं भरवा लाते? दर्द से भरे दिल, जख्मों से चूर अपने वजूद को उसके दर पर क्यों नहीं लेकर जाते? इस सफ़र के मुसाफिर बन जाओ जिसकी मंजिल खुदा का इश्क पाना हो। अपना तन मन कुर्बान कर दो, शायद अगले जहां में खुदा के हासर खोई मिल जाए। खुद को कर लो ऐसा, तुम्हें देख के रब भी कहे इसे रास्ता दो मेरे पास आने का। रक्स करो, झूम उठो, तुम्हें रब के सामने जाने की जगह मिल गई है। अपने जख्मों से चलनी वजूद को उसके दर पर ले जाओ, अपनी रूह को तड़प उस रब को जाके दिखा आओ।